इसके प्रति आपके आप जब आए आपके खिलाफ नारे भी लगाए। इन चीजों में कोई लेट वाली बात नहीं होती। अगर फर्ज करो ये और लंबा चला तो फिर क्या होगा। तो ये तो मौके की बात होती है, टाइम की बात होती है, और कोई ये कहे कि जानबूझ के नहीं आए ऐसा कुछ नहीं होता। पिछली बार आश्वासन नहीं दिया गया था। चलिए अब आपने पीछे की बात करनी है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सर तो पीछे की बात कोई अगर पकड़ के बैठ जाए तो फिर तो बात ही ना करें। सर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ आश्वासन आज आपकी तरफ से धरना पर दिया गया? नहीं, मैंने अपनी तरफ से यही कहा है क्योंकि मेरे ये लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और बहुत समर्थन हमें निजी तौर पे और पार्टी के तौर पे पूरे इलाके से हमेशा मिला है, और लोगों की जो समस्या है या जो तकलीफ है या जो उनका मुद्दा है कि जो रास्ता आप शायद 30 किलोमीटर से ज़्यादा का हो गया है तो उसमें यदि संभावना है कि एयरपोर्ट की दीवार के साथ से कोई रास्ता निकल के और 5-1 किलोमीटर की सड़क बन के अगर वो जो हिसार और तलवंडी राणा के बीच में जो बहुत बड़ा गैप अब बना है उसकी जितनी भी पूर्ति हो सके उसके लिए मैं सरकार से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उस बारे निवेदन करूँगा, चर्चा करूँगा, और जो भी मत यहाँ लोगों का है उसमें कोई नाजायज़ टाइप चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो होने लायक बिल्कुल ना हो। जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि यदि आप ये चाह रहे हो कि एयरपोर्ट के अंदर से कोई रास्ता निकल जाए वो नहीं हो सकता। सर क्या उम्मीद लगाई जा रही कि कब तक जो है ये रोड का मामला सुलझ जाएगा? नहीं, वो तो सरकार ने फैसला लेना है। मैं अपनी तरफ से सरकार से बिल्कुल जो इनके पक्ष की जो बात है उसको मैं टेकअप करूंगा। सर गांव वालों का और जितने भी धरने पर बैठूंगा एक ही सवाल है कि हमने आपको इतने वोट दिए थे लेकिन आप इतने लेट हमारे बीच में पहुंचे। इसके प्रति आपके आप जब आए आपके खिलाफ नारे भी लगाए। इन चीजों में कोई लेट वाली बात नहीं होती। अगर फर्ज करो ये और लंबा चला तो फिर क्या होगा। तो ये तो मौके की बात होती है, टाइम की बात होती है, और कोई ये कहे कि जानबूझ के नहीं आए ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बड़ी एक, क्योंकि ये भी समझना चाहिए कि मैं भी सरकारी पक्ष का हिस्सा हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरी पहली जिम्मेवारी है वो लोगों के प्रति है, तो जो विषय है उसको मैं उठाऊँगा, और विषय मैंने पार्लियामेंट तक में भी उठाया हुआ है इसके बारे में, तो जिसका शायद आपको बोध हो। तो सर रातों रात जो है वो सर रातों रात जो है पूरा रोड इस तरीके से उखाड़ दिया गया था, उसकी बजाय वहाँ पर कोई एक रास्ता भी दिया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया गया? चलिए जो बात हो चुकी है उसके बारे में कोई ना तो वो विषय है ना वो कोई इस समस्या का हल है। तो अब तो यही है कि जो नया रास्ता जो प्रस्तावित है उसको मंजूरी मिले, उस पर काम शुरू हो जाए ताकि जो लोगों की जो समस्या है इस संबंध में उसका जिस हद तक भी निदान हो सके वो हो पाए। सर जो आपने बयान दिया था या फिर वही बात आपकी भाषण वाली बात है जो आपने अभी बोला कि जो आपने क्लियर करने का काम किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, उस बात को कहीं ना कहीं घुमाया गया था, उसके ऊपर आप क्या कहना? इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, नहीं, आज के दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रपोजल भारत सरकार के पास नहीं है। अभी फ़िलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट जो हैं उसके ऊपर काम चलेगा, लेकिन जो हरियाणा सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाने लग रही है उनकी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने की कोशिश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, ताकि जब वो बन के तैयार हो जाए और उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए जब प्रपोजल भेजा जाए तो उस समय उसके ऊपर फिर जल्दी कार्रवाई हो सके। पहले 34 दिन धरना चला था, आश्वासन देके उठाया गया था, लेकिन आज दोबारा धरने बैठना पड़ा। अब कोई आश्वासन देके उठाया जाता है इनको तो किस तरह से ये इस चीज़ को श्योर करें कि आगे हमारे को रास्ता नहीं? देखिए वो तो सरकार और सरकार और लोगों के बीच में एक भरोसे की बात होती है, और सरकार यदि कोई आश्वासन देगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको पूरा भी करेगी। पिछली बार आश्वासन ही दिया गया था। चलिए अब आपने पीछे की बात करनी है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सर पीछे की बात कोई अगर पकड़ के बैठ जाए तो फिर तो बात ही ना करें।